जनपद संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश नाजिम को लगी गोली। घायल हालत में पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। एक बदमाश फरार, एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल। गिरफ्तार बदमाश पर दर्ज है 1 दर्जन मुकदमे। गैंगस्टर में वांछित चल रहा था गिरफ्तार बदमाश नाजिम। SP चक्रेश मिश्रा, ASP और CO आधा दर्जन थानों के पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस टीमें कर रही थी कॉम्बिंग। फरार बदमाश की घेराबंदी के लिए लाठी डंडे लेकर ग्रामीणों ने इलाके को घेरा। असमोली थाना इलाके के मर्डर का मामला। आज थाना असमोली के अंतर्गत ये एक जगह पर हमारे थाने की टीम चेकिंग कर रही थी, SOG की टीम भी साथ में थी। तो इसमें एक बदमाश जिसको रोकने पर हाथ दिया गया तो उसने रुका नहीं और वहाँ से एक फायर करके भागने लगा। उसका पीछा किया गया, उसकी तरफ से फायर किया गया तो उसके पश्चात पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में चोट लगी है, गोली लगी है और उसकी फायरिंग में हमारा भी एक सिपाही घायल हुआ है। इन दोनों घायलों को जिला अस्पताल संभल के लिए भेज दिया गया है, उनका उपचार किया जा रहा है। इसका एक साथी है जो भाग गया है, उसकी तलाश के लिए यहाँ पर कॉम्बिंग की जा रही है। गांव के भी सभी लोग उपस्थित हैं, उनकी भी मदद ली जा रही है। पुलिस यहाँ पर चारों तरफ जो रास्ते जाते हैं वहाँ बैरियर लगा दिया गया है और इनकी चेकिंग की जा रही है। प्रथम जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार इसका नाम नाजिम है। इसके ये गैंगस्टर में वांछित था, इसके ऊपर 25,000 का कुल इनाम था और इसके साथ में इसके पहले करीब 12 मुकदमे अभी तक हम लोगों की जानकारी में आए हैं, जिसमें गौवध अधिनियम, गुंडा एक्ट तथा इस तरह के अन्य मुकदमे इसके ऊपर हैं। बाकी जानकारी की जा रही है, आगे जैसी जानकारी प्राप्त होगी आप लोगों को सूचित किया जाएगा।